आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का स्ट्रक्चर। अर्थ को कंप्लीट तीन भागों में बांटा गया। फर्स्ट को बोलते हैं कोर, सेकंड को बोलते हैं मेंटल, थर्ड को बोलते हैं क्रस्ट। तीन पार्ट में बांटा गया, तीन लेयर में कन्वर्ट किया गया। पहले लेयर को बोलते हैं कोर, दूसरे लेयर को बोलते हैं मेंटल, तीसरे लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि कोर क्या होता है। तो इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। ये इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। द कोर ऑफ अर्थ इज एक्सट्रीमली हॉट। वो पूरी तरह से हॉट होता है, गर्म होता है, क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, हॉट गर्म होने लगता है। तो फिर वो धीरे धीरे एक्सट्रीमली हॉट होता है। नेक्स्ट मेंटल। द सेंट्रल रीजन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। सेंट्रल जो मिडिल पार्ट होता है उसको सेंट्रल रीजन बोलते हैं, वो हम लोग का होता है मेंटल। इट इज मिडिल लेयर ऑफ अर्थ। यह लेयर का क्या होता है, मिडिल, बीच का। इट इज मोस्टली मेड ऑफ डेंस सॉलिड रॉक। ये डेंस होता है, काफी घना होता है, डेंस मतलब घना, सटा सटा, और सॉलिड रॉक, इसमें सॉलिड रॉक्स होते हैं। नेक्स्ट क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट यानी बाहरी क्रस्ट लेयर होता है उसको लोग क्रस्ट बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ कंप्लीटली लाइटर रॉक देन दैट ऑफ मेंटल। मेंटल से इसका जो रॉक होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कंपेरेटिवली हल्का होता है, मतलब टाइट, जब बहुत ज्यादा टाइटली पैक नहीं होता। अगर हम फोटो बनाने का कोशिश करेंगे तो फोटो में कुछ इस तरह से शो करेंगे, सबसे अंदर कोर, उसके बाद क्या हो जाएगा मेंटल, और सबसे लास्ट जो जाएगा वो जाएगा क्रस्ट। अभी जिसमें हम लोग खड़े हैं, जिसपे खेती वगैरह घर वगैरह बनता है, वो आपका क्रस्ट होता है। ठीक है, जहां से पानी वगैरह निकालते हैं वो मेंटल होता है। सबसे निचली लेयर को हम लोग बोलते हैं कोर। कोई प्रॉब्लम, देखिए हमारा क्वेश्चन है, व्हाई द अर्थक्वेक अकर। अर्थक्वेक क्यों होता है, भूकंप क्यों होता है। द अर्थक्वेक अकर व्हेन द मूविंग प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये तभी अर्थक्वेक होता है जब अर्थ क्रस्ट के प्लेट्स आपस में मूव करते हैं, दो पार्टिकल स्लाइड पास्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाने का, दूसरा क्लाइड या फिर टकराने के कारण। जब प्लेट्स आपस में टकराएगा, मान लीजिए एक कोई प्लेट हुआ और फिर एक कोई प्लेट हुआ, आपस में टकराएगा, ठीक है, तो धरती के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, और हाई प्रेशर के कारण कहीं ना कहीं वो प्रेशर कहीं ना कहीं हुआ बाहर रिलीज होगा, तो जहाँ लो रीजन मिलेगा वहां से वो निकल जाएगा। ठीक है, तो उस लो रीजन एरिया को जहां से वो निकलता है वो यहाँ का सिस्मिक जोन हुआ। ठीक है, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप होगा फिर हटेगा तब भी होगा, और फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तब भी भूकंप होगा। नेक्स्ट सिस्मिक जोन क्या होता है, द वीक जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड सिस्मिक जोन। जो वीक जोन होता है वही आपका क्या होता है, जो वीक अर्थ क्रस्ट होता है वही सिस्मिक जोन होता है। मतलब कि जब ये लो प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो हाई प्रेशर और हवा अंदर क्रिएट करेगा, वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होगा, तो जिस जगह जिस वीक पॉइंट से रिलीज होगा वही आपका क्या होगा, सिस्मिक जोन होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फेल्ट जोन, जिसको फेल्ट जोन भी कहते हैं। अपने इंडिया में मिलेगा सिस्मिक जोन होगा, कश्मीर में, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय में, इटिसी में, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सारे जो जगह होते हैं वहाँ पे भूकंप अक्सर आते रहते हैं, या फिर जहाँ खदान वगैरह कोयला वगैरह निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ जब कोयला निकाला जाएगा तो ऊपर का जो लेयर होता है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, लिखिए फिर अगला टॉपिक लिख देते हैं। अब देखें सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिससे भूकंप के बारे में कितना भूकंप आया, कितना तेजी से आया, कितना कम आया, ये रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एंड रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव प्रोड्यूस। कह रहा है कि एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को इन टर्म्स ऑफ शॉक और शॉक, मतलब जो शॉक प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब कि सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो
भूकंप के मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करता है। क्लियर? अब तेरा फोकस तो द प्लेन इनसाइड द अर्थ, वो प्लेन जो धरती के अंदर हो, अर्थ के अंदर हो, क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक इज जनरेटेड, जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक जनरेट होता है क्रस्ट के अंदर, वहीं यहां पर क्या होता है, फोकस होता है। मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा हो, अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो रहा हो, ओरिजिनेट हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। अब आता है एपिसेंटर, तो कह रहा था पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, जब भूकंप होता है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे डायरेक्ट प्रभाव डालता है, डायरेक्टली वो अर्थक्वेक पे, अर्थ सरफेस पे आता है। देखिए कि द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउट द फोकस, वो डायरेक्टली फोकस करता है, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इपिक सेंटर। क्लियर? देखिए अब देखते हैं हम लोग रिएक्टर स्केल। अब रिएक्टर स्केल देखते हैं, कह रहा है द मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी ऑफ ए अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस ऑन द रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी, मतलब कितना तेजी से उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा, कितनी तेजी से वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब क्वांटिटी, तेजी से क्वांटिटी, ठीक है, तो उसको रिएक्टर स्केल से मेजर करते हैं। द अर्थक्वेक हैविंग मैग्नीट्यूड हायर देन 7, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 से अधिक हो ऑन द रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से आर रेडी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक बहुत डेंजरस होगा। अगर 7 से कम होगा तो भी डेंजरस होगा, बट वो बहुत कम डेंजरस होगा विद रिस्पेक्ट टू 7। अगर 7 से ग्रेटर बढ़ेगा तो बहुत हाई डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत अधिक क्षति होगी, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि जब वो रिएक्टर स्केल 7 हो जाएगा या 7 से अधिक हो जाएगा तो धरती में जो कंपन होता है बहुत तेजी से, बहुत फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से क्रिएशन वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो अर्थ पे ही वो सारे पेड़ पौधे या फिर हम लोग रहते हैं या फिर घर वगैरह, तो बहुत जल्दी तेजी से वो गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अर्थ में ही वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो जब अर्थ में तेजी से वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो क्या उस पर कोई चीज टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो अगर 7 से अधिक रिएक्टर स्केल होता है तो हेवी डिस्ट्रक्टिव, बहुत अधिक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।